मुझे यहां समय नष्ट ना करके सुमेर को ढूंढना चाहिए। कोई नहीं जो हम फारसियों के सामने टिक सके। है कोई और इस मुल्क में जो करेगा फारसी फौलाद का सामना? अलविदा शहजादे, दुआ करो कि अगली बार फारस में जन्म मिले ताकि ताकत साया बनकर तुम्हारे साथ चले। इस माटी ने सिंहों को भी जन्म दिया है विदेशी। मोरों की मां का सम्मान करते हैं और उनकी मातृभूमि का भी, पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम हमारी मातृभूमि का अपमान करोगे। यही बात कुछ दिनों पहले मैंने एक फारसी को समझाई थी कि दो बातें मुझे भाती नहीं, फेंकी हुई थाली और मां बेखाली। और आज तो तुमने हमारी मातृभूमि का अपमान किया है, हमारी मां का। फारसी ललकार का सामना करने के लिए भारत मां की माटी से जन्मा ये बेटा सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। सब भारतीय मरे, आज तू भी मरेगा। बातें ही बनाओगे या अपना फारसी बल दिखाओगे भी? शर्मसार किया तूने। गलत समझा है तुमने। मैं सबकी मातृभूमि का सम्मान करता हूं, बस अपनी मातृभूमि का अपमान होता हुआ नहीं देख सकता। वैसे दिखने में तो बड़े ही शक्तिशाली और फुर्तीले लगते हो, देखते हैं मुझ तक पहुंच भी पाते हो या नहीं।
गंदा खून इसी मट्टी में मिला दूंगा मैं। मुझे मेरे देश का अपमान नहीं भाता, मुझे क्रोध मत दिलाओ। मुझे क्रोध मत दिलाना। तू, तेरे जैसे हर भारतीय, तेरी ये मट्टी, तेरा ये मुल्क हमारे कदमों तले रौंदा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तेरा मुल्क हमारा गुलाम होगा। एक बात तो समझ आ गई मुझे, तुम फारसी लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानते। कहा था देश को गाली नहीं, माटी का अपमान नहीं, हर मातृभूमि पर प्रहार नहीं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बधाई हो, हमें गर्व है तुम पर। अब समय आ गया है कि सारे पौरव राष्ट्र को उस वीर का परिचय मिले जिसने हमारे गर्व,
हमारे सम्मान की रक्षा की है। अगर ये लड़का वो दस्युपुरु हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं वो हूं जिससे मिलने की आपको प्रतीक्षा थी महाराज बमनी। आपकी प्रतीक्षा का अंत हूं मैं।